तो फाइनली कोडक बैंक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड हमको रिसीव हो चुका है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसमें मुझे कितने लिमिट मिले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और कितने टाइम मुझे ये क्रेडिट कार्ड पहुँचने में यानी कि मेरे घर तक आने में कितने दिन का मुझे समय लग गया, इन सारे का मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बाकी इसके बैक साइड की बात कर ले तो बैक साइड से कुछ ये पार्सल ऐसा दिखता है। इसमें आपको कोटक बैंक का जो है वो टेपिंग देखने को मिल जाता है। तो मैं चलो इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से जो ये रैप है इसको यहाँ से हटा लेना है, और हटाने के बाद कुछ ये बबल्स इसमें बहुत अच्छे तरीके से बैंक वाले जो है अपने पार्सल में लगाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। जो भी डिटेल है कुछ इस तरीके से अंदर से पार्सल निकलता है, और अंदर में देखते हैं तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया है। आप देख सकते हो पार्सल पूरी तरीके से अंदर से अब खाली है। तो मैं इसको यहाँ से साइड कर देता हूँ, और साइड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कोडक बैंक का यहाँ पे सारा डिटेल, आपको कैसे एक्टिवेट करना है, इसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड कैसे एक्टिवेट करना है, ये सारा इसमें डिटेल दिया गया है। ये जो क्रेडिट कार्ड है मुझे कोडक बैंक की तरफ से प्री अप्रूवल मिला हुआ था, तो मुझे इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देने पड़े। और अगर आपको ये प्री अप्रूवल ऑफर नहीं मिलता है तो आपको जो है इसका ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस GST 550 के आसपास, प्लस आपको एनुअल फीस भी 499 प्लस GST, तो वो भी 550 के आसपास पड़ जाते हैं। तो मुझे इसके लिए ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस देना पड़ा है और ना ही कोई एनुअल फीस देना पड़ा है। बैंक की तरफ से खुद ही कॉल आया हुआ था कि आप जो है वो प्री अप्रूवल कार्ड के लिए एलिजिबल है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। हालांकि कोडक बैंक का जो डेबिट कार्ड पे ईएमआई आता है, तो डेबिट कार्ड पे ईएमआई मैं पिछले 4-5 महीनों से यूज कर रहा हूँ। मैं अगला वीडियो इस पे भी अपलोड करूंगा, क्योंकि जैसे मैं इसका डेबिट कार्ड का ईएमआई यूज कर रहा हूँ और उसको टाइमली पे कर रहा हूँ, तो कोडक बैंक को लग गया था कि इसको जो है क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है और टाइमली बिल भी पे करता है, तो इसलिए मुझे जो है वो प्री अप्रूवल में ये कार्ड दे दिया। कार्ड को मैं अंदर से इसको फिर से अनबॉक्स करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे मुझे जो है लिमिट के बारे में बताया गया होगा। तो अगर मैं इस पेज को अनकवर करता हूँ तो यहाँ भी मुझे कार्ड नहीं दिखा है, और यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्टलेस, इसके बाद कार्ड एक्सपायरी, CRN नंबर, कार्ड नंबर, CVV नंबर, इन सब के बारे में जो है वो डिटेल दिखाया गया है। इसके बाद जैसे मैं एक बार और इसको अनकवर करता हूँ तो यहाँ पे जो है मुझे लिमिट दिखा दिया गया है, और वाव लिमिट मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। ये मुझे 40,000 रुपये की लिमिट मिली है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये मुझे प्री अप्रूवल ऑफर में मिला है। इसके लिए मुझे कोई चार्ज नहीं देने पड़े हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्री का क्रेडिट कार्ड है तो 15 से 20 हज़ार का लिमिट होगा, लेकिन मुझे जो है वो 40,000 की लिमिट मिली है, और कैश लिमिट जो है वो 8,000 का दिया गया है। इस साइड में मेरा एड्रेस दिया गया है जहाँ पे मेरा ये क्रेडिट कार्ड आया है। और मैं बता दूँ मैंने जो अप्लाई किया था तो अप्लाई किया था आज से 5-6 दिन पहले, और अप्लाई करने के एक दिन बाद ही मेरा क्रेडिट कार्ड जो है अप्रूव हो गया था, और उसके 3 दिन बाद, ठीक 3 दिन, 4 दिन भी नहीं लगे, 3 दिन के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मेरे घर पे डिलीवर कर दिया गया था। तो मुझे काफ़ी फास्टली ये जो प्रोसेस है मेरे जो क्रेडिट कार्ड का वो हो गया था। बाकी अगर आपको ये प्री अप्रूवल में मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के आखिरी में मैं उस वीडियो का जो है वो लिंक डाल दूंगा। अगर बात कर ले कार्ड की, तो अंदर में ये कार्ड है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड कुछ इस तरीके से चिपकाया गया है। मैं कार्ड को यहाँ पे निकाल देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बार फिर से आपको जो है वो दिखा देता हूँ। लिमिट मुझे 40,000 की मिली है, और इसके बाद ATM की लिमिट जो है मुझे 8,000 की मिली है। ये मेरा कार्ड का आखिरी का 4 डिजिट और स्टार्टिंग का 4 डिजिट है, और इसके बाद ये मेरा CRN नंबर है। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं ये जो है क्रेडिट कार्ड, लीग क्रेडिट कार्ड जो कोडक का आता है, लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो बैक साइड से ये कार्ड जो है
इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे जो है मेरे कार्ड का सीवी भी नंबर दिया गया है। ये कार्ड जो है वो लुक वाइज काफी प्रीमियम लगता है, टच में भी और छूने में भी। और ये प्लास्टिक का कार्ड है, मेटल का नहीं है, तो आप इस बातों का भी ध्यान रखें। यहाँ पे आपका नाम होता है जो कि आपके बैंक पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर होता है और पीछे सीवी भी है और यहाँ पे वीजा कार्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लीग प्लेटिनम कार्ड का लीग या लीग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था कोडक बैंक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं इस कार्ड को एक्टिवेट करना सिखाऊंगा कि इस कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कैसे एक्टिवेट करना है। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।